हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग? सो मैं वीडियो का पर्पस बता दूं, मुझे ज़्यादा फालतू बात करनी पसंद नहीं है। आज का हमारा वीडियो है कि चेहरे पर नेचुरल तरीके से ग्लो कैसे लाया जाए। ठीक है, हर कोई इंसान चाहता है कि चेहरे पर ग्लो हो, लोग उसकी तारीफ़ करें, और स्पॉटलेस चेहरा हर किसी को पसंद आता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमें हाइजीनिक रहना चाहिए, ठीक है। और लोग पता नहीं क्यों तरह तरह की फेस वॉश और ये और साबुन लगाते हैं। तो मैं मानता हूँ ये जो तरीका है ये सबसे क्विक है। सिर्फ आपको इसमें 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट में आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो होगा विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। स्टे ट्यून्ड विथ मी, वी विल बी बैक सून। ये देखिए, मेरे पास है यहाँ पर एलोवेरा, और मैं यहाँ पर इसके आउटर स्किन रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इसका जेल पार्ट यूज़ करना है। एंड मैंने इसे प्रॉपरली पूरे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। एंड फेस पर अप्लाई करने के बाद आप अपने हाथों से भी हल्का मसाज कर सकते हैं। एंड बस इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट वेट करना है। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, मेरे पास 5 मिनट्स हैं तो उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। सबसे पहले एलोवेरा में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स यानी जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं, जो उनकी लेयर्स होती है हमारी स्किन पे, वो उसे हटा देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे स्किन पर सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ जो हैं, उनको ये ग्लोरीफाई कर देता है, जिसके कारण आप दिखते हैं, आपका चेहरा चमचमाता और शाइन करता हुआ। फिर लोग आपसे कहते हैं, चिकना लग रहा है, फेशियल करवाना। ओए क्या लग रहा है पाजी, तुसी ग्रेट हो, छा गए। मैंने अपना चेहरा देर धो लिया है, एंड सी द रिजल्ट्स, लग रहा हूँ ना एकदम झकास। और देखिए, मेरी बात मानिए, मैं आपको ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी बता सकता हूँ जो प्रमोशन करते हैं कि आप ये लगाओ, आप वो लगाओ, ये फेस वॉश, ये साबुन और न जाने क्या क्या चीज़ें, लेकिन आप एक्चुअल ज़िंदगी में देखेंगे तो वो खुद भी उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कंपनियाँ उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स, हार्मफुल केमिकल्स और न जाने कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, वो खुद आज भी नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हैं। आप उनसे पूछेंगे आपकी ब्यूटी का राज क्या है, तो वो कहेंगी कि भाई मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप देखेंगे वो उपटन से नहाती हैं, एलोवेरा, आंवला, ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं। सो एंड आप फेस वॉश लगाना इसीलिए भी हमारे लिए ठीक नहीं है, फेस वॉश साबुन, क्योंकि हमारी जो नेचुरल स्किन पर ग्लो दिया हुआ है गॉड ने, उस पर ऑयल का होना भी थोड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ऑयल होना ही नहीं चाहिए, ऑयल नहीं होगा तो आपका चेहरा पूरा रफ हो जाएगा। ये साबुन और फेस वॉश और ये सारी चीज़ें लगाने पे आपके फेस पर जो ऑयल है वो भी दूर हो जाएगा आपसे, तो फिर आपका चेहरा रफ लगेगा। तो बेटर है कि आप ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करें और प्रॉपरली आपका ऑयल भी मेंटेन रहेगा। ओके, और दूसरी चीज़, जिन लोगों को ये समस्या है कि उनकी आंखों के नीचे काले घेरे रहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट उपाय है। ट्राई दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, ओवर एंड आउट। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आपके हाथ में।